भगवान भोलेनाथ के प्रिय माह सावन की शुरुआत हो चुकी है और आज है सावन का पहला सोमवार। इस विशेष संयोग पर शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार भी किया गया है। हालांकि कोरोना संकट काल का असर मंदिरों पर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर मंदिरों में कोरोना संक्रमण से बचाव के इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। आज सावन का पहला सोमवार है। इस बार सावन महीने की खास बात ये है कि इसकी शुरुआत और अंत दोनों ही दिन सोमवार है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा होती है और इस दौरान सोमवार के दिन का महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये दिन भगवान भोलेनाथ का ही माना जाता है। इस दिन भोले शंकर की विशेष पूजा होती है। वैसे आम तौर पर श्रावण माह में मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी बहुत रहती है, जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शिव शंकर के दर्शन करने आष्टा आते हैं। लेकिन इस बार देश में फैली कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का असर भी मंदिरों पर देखने को मिल रहा है। सावन महीने में शारीरिक दूरी के हिसाब से भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की, इसे लेकर आष्टा के प्राचीन शंकर मंदिर में इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां भक्तों की भीड़ काफी कम संख्या में दिखाई दे रही है। के ऐतिहासिक प्राचीन शंकर मंदिर के पुजारी हेमंत गिरी ने बताया कि भगवान भोलेनाथ के गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। 15 फीट दूर से बनाए गए एक जलपात्र में जल अर्पित किया जा रहा है। जलपात्र से जल प्लास्टिक के पाइप के जरिए भोलेनाथ को अर्पित हो रहा है। वहीं बेलपत्र, पुष्प आदि भी नहीं चढ़ाया जा रहा है। साथ ही 15 फीट दूर से ही मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए जा रहे हैं। हमारे देश के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए हमने जो है ये पूर्णता से व्यवस्थित रूप से भगवान के यहाँ दर्शन करवा रहे हैं। पूर्णता से सारा शासन के आदेशों का पालन किया जा रहा है और किसी प्रकार से भी कोताही नहीं बरती जा रही। यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्वयं आप पत्रकार बंधु आप स्वयं देख रहे हैं कि हमने जिस प्रकार से यहाँ का सिस्टमेटिक ढंग से हमने कार्यक्रम किया है, वो आप स्वयं देख सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों को कि इस प्रकार की व्यवस्था से हमारा जो देश बचेगा, हमारे हर नागरिक, कोई भी जाति धर्म का नागरिक है, आज उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके लिए हमने इसलिए व्यवस्था की कि भगवान के प्रति जो भक्तों की श्रद्धा है वो भी कम ना हो और उनके द्वारा चढ़ाया हुआ जल भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाए। इस उद्देश्य को लेकर हमने यहाँ पर 15 फीट की दूरी पर यह व्यवस्था की है ताकि वो भी सुरक्षित रहें और उनकी भावना भी आहत ना हो। शासन प्रशासन के निर्देशानुसार दर्शन कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को मास्क लगाकर ही मंदिरों में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, आष्टा।